मैं दोस्तों को वो तो दिखा दें जो हमें गिफ्ट आया हुआ बेंटन का। और हमारा दोस्तों ये देखो ये भी आया हुआ है, एक तो वो देख लिया आपने देसी मुर्गी हमें गिफ्ट आई है, साथ साथ एक ये भी आई है, मैं आपको देख रहा हूं। इन्हें भाई ही निकाल दें। हां मैंने भाई निकाल दिया। ये स्पिंजर के ऊपर रख दो। ये यार बिल्कुल सेम देसी की तरह ही हमारे ना, ये देखो इनके कद बहुत छोटे हैं, पांव देख रहे हैं, पांव देख रहे हैं कैसे आ रहे हैं, पांव भी बड़े पड़े हैं पास से। ये क्या हुआ, क्या हुआ, ये देख ना अभी लगा फोन लगा। नहीं 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 फोन नहीं लगा हुआ, वैसे ही गिनते रहे पड़े इनके पास। दोस्तों होंगे पर अपना आज माशाल्लाह मौसम काफी अच्छा हो रहा है, बारिश भी हो रही है, मुंबई आपको नजर आ रही हो तो अंदर ना चलते हैं, थोड़ा छाव में चलते हैं, आपको ना सेटअप का भी विजिट कराता हूँ। माशाल्लाह काफी दफा हो गया है, हमारे पास नई नई चीजें भी है देखते हैं। माशाल्लाह पहले तो अभी हमारे देखने सोते पहले हमने रखे हुए थे, अंदर रखे हुए थे एक कॉकटेल है मेरे पास पहले से रखे हुए थे, लेकिन गर्मियाँ चूंकि चल रही थी, सर्दियाँ थोड़ी चल रही थी तो मैंने गर्म माहौल में रहे, इन्हें बड़ी सर्दी लग जाती है, जल्दी लग जाती है, तो इससे मैंने हमारे जैसे गर्मी आई है इन्हें वापस यहाँ। अब्दुलीम यार अब्दुलीम भाई वो मटके में गया हुआ है, ये बॉक्स में आपका एक गया हुआ है, इसका तो मुझे कोई हिसाब नहीं लग रहा, ये बस खेलने के लिए चले जाते हैं, और कोई काम नहीं, इसलिए मैंने इनके बॉक्स में वो दरवाजे भी खोल दिए ताकि मुझे तो लग रहा है अब्दुलीम भाई उसने काम दिखा देना, जिस तरह वो अंदर बैठा हुआ है ना, ये मेरे पास काफी अच्छे रखे हैं, आपको पता ही है मुझे ये कुछ भी नहीं करते भाई, ये शो पीस है रखे हुए शो से रखे हुए, और इनका कोई नहीं, और माशाल्लाह इन्होंने मेरे पास ब्रीड भी किया है, इन्होंने 2 से 3 दफा ब्रीड कर चुके हैं, काफी इंतजार भी कराया मगर अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड कर दिया। अब इन्होंने ये मेरे पास हैं 4 पीस हैं, मैं लाया था 2 पेड़ लेके आया था जिसमें से 2 एक्सपायर हो गए थे, फिर उसको मैंने लेके आया था, उसके बाद अब जो है ना मेरे पास टोटल 4 हैं, ये एक इसमें बच्चा है, बाकी 2 पेरेंट्स हैं, 3 पेरेंट्स हैं, वो आगे आ गए थी हमारे पास, ये मेहमान भी आए हैं, ये हमारे पास है देसी मुर्गी है, ये पहले हमारे पास नहीं थी मगर आपने देखा होगा हमारे पास है, हमारे पास मगर दोस्त के बाप होते हैं उन्होंने हमें ये गिफ्ट किया, ये देसी मुर्गी है, मैं आपको एक तो दिखाऊँ, उसके बाद रखे हुए थे उसने इतने ज्यादा रखे हुए हैं, भाई जान से कहना था थोड़ा सा हाथ उस यहाँ पे हमारे घर में भी आगे लगा दें, ये आपने चूचे ये जो दिखाए थे माशाल्लाह देखे अभी बड़े हो चुके हैं, शॉर्ट्स वगैरह में भी देखा होगा, जिसकी मैंने शॉर्ट्स लेते हैं, अब तो माशाल्लाह भागे फिरते हैं वरना तो गिन गिन के चलते रहे बेचारे, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारे लिए क्या लेके अचीवमेंट होती है, खुशी की बात होती है कि जब बच्चे हमारे सामने बड़े हो रहे होते हैं, वरना फिर अल्लाह ताला जिंदगी दे ये एक्सपायर भी हो जाते हैं, केयर करनी पड़ती है बस इनकी बच्चों की। ब्लैक कलर का चूजा अब्दुलीम भाई ने पकड़ लिया था, वो देखिए शरारतें बड़ी करते हैं अब्दुलीम भाई के सामने, ये सारे चूजे वगैरह के है ना, इतना प्यार दोगे इतना ज्यादा अटैच होते हैं, बाकी फिलहाल भाई मैं दोस्तों को ये दिखाऊँ जो इन्होंने ये चूजे देखे हैं छोटे छोटे, अब देखे माशाल्लाह कितने बड़े हो गए दिखाते हैं, ये देखे जरा ये जो आपने 200 देखे होंगे 6 या 8 चूजे दिए थे ब्राउन वाली मुर्गी है, ये सारे वही चूजे माशाल्लाह बड़े हो गए, ये हमने यहाँ पिंजरा भी लेके आए थे इनके लिए, पूरा हमने स्पेशल ये केज तैयार करवाया, पूरा स्पेशल केज इनके लिए तैयार करवाया, क्योंकि ये वो बंद करते नीचे आएगा लड़ सकते हैं आपस में लड़ते रहते हैं, तो इस वजह से ना हमने इनके लिए स्पेशल जो है ये पिंजरा तैयार करवाया, क्योंकि हमारे लिए आपको पता है कि एक ही ये पहले केज था तो इसमें ना रखना मुश्किल हो रहा था, माशाल्लाह बड़े हो रहे तो हमने ना सेपरेट रख दिए, दो दो रख दिए ताकि इजीली ये खुश होकर ला सके, माशाल्लाह जितना जितना बड़े होंगे किसी में बड़े हो जाएंगे मजीद के अच्छी इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह वो भी ले आएंगे, फिलहाल के लिए ये है, और ना इसमें अगर देखें ना
सारे के सारे ही ना मोस्टली हमारे पास कितने चूजे ऐसे दिला भाई जरा आठ है जब ग्रीन भाई आठ एक से थे और तीन चार एक से थे ऐसे ही है तीन एक से थे आठ एक से थे चार एक से थे तकरीबन सारे ही मुर्गे निकलते सिर्फ एक मुर्गी मुझे लग रही है बगैर तो सारे ही मुर्गे हैं ये जो अब्दुल भाई आपके हाथ में ये भी मुर्गे ही है ये भी मुर्गे ही है देखिए आठ में से छह तकरीबन मुर्गे निकल रहे हैं बाकी सारी मुर्गी हैं अब अल्लाह इतने मुर्गे और क्या करें ये आपस में लड़ते भी बहुत है अब ये दो मुर्गे हो गए देखें ये दोनों मुर्गे हैं इनके कल देखे माशाल्लाह हैवी ग्रोथ हो रही है ये दोनों ही मुर्गे हैं ये जो सीन है ना सीन ये पूरा बाप पे जा रहा है अपने थाई वाले पे उसके बाल की रिंग बन रहे हैं उसके बालों के ना गर्दन पे देखे ये सीन है शौक मुझे सिर्फ इनके कद से बड़ा है इनकी लड़ाई से और ये माशाल्लाह इनके कद जो है ना ये मुझे बड़े पसंद है और माशाल्लाह अभी ये देखे दो ये तीन महीने का होने लगा होगा बिल्कुल ऐसी है तीन महीने का और इसका कद देख ले अभी से माशाल्लाह इतना हो गया और इसके बाप का कद 2.5 फुट से ऊपर है तो हमने इंचिस शेप से नापा था तकरीबन 3 फुट से ऊपर जा रहा था अब्दुल भाई तकरीबन देख ले माशाल्लाह अभी ये बच्चा है और इसका कद देख ले ये अपने बाप को क्रॉस करेगा इंशाल्लाह 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 और असल चीज तो एक रहेगी ये देखिए ये देखिए 2.5 महीने का बच्चा अब्दुल भाई मुर्गी के साथ शादी में आ रहा था असल चीज तो रहेगी जो हमने सेपरेट रखा हुआ एक मुर्गा हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों वो तो आप लोगों को सबको पहले दिखाना था लेकिन पहले ये रखे हुए थे इस तरह से ये दिखा दिए ये दो 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 के जी तो आपको दिखा रही है और यहाँ पे भी ये मुर्गा ही है इसमें भी एक ये मुर्गा है ये भी एक मुर्गा ये मेरे ख्याल से ना पीला निकलेगा इसके जो पर लग रहे हैं ना येलो येलो से आई है हाँ जी ये देखिए माशाल्लाह इसका भी कर फेस चेक करें इसके साथ ही एक मुर्गा है और वो मुर्गी अंदर खड़ी हुई है ये इसके साथ मुर्गी है ये पूरी अपनी माँ पे गई है जी और ये भी बच्चे हैं ये सारे सारे बच्चे हैं और माशाल्लाह मुर्गी का भी कच्चा चल रहा है मतलब ये मेरे ख्याल से लाइट चली गई है कनेक्शन चेंज करिएगा मैं अभी कर दिया मैं चेंज कर देता हूँ इन्हें तो रखे हैं ऑफिस कनेक्शन चेंज करते हैं लाइट चली गई आ गई थी अब ये है दोस्तों ये आपने ना शायद देखा होगा बचपन में एक हमारे पास चूजा आया था जिसकी मैंने बात की थी उसकी ना थोड़ी सी चोंच टेढ़ी है अब ये जितना जितना बड़ा हो रहा है ना अब मुझे नहीं समझ लग रही कि इसका मैं क्या करूं इसकी चोंच मजीद टेढ़ी होती जा रही है और ये पता नहीं देखें ये आपके सामने क्या कर रहा है अब मुझे नहीं समझ लग रही है क्या वजह है क्या बीमारी है इसे इसका इलाज क्या है अगर चोंच की इसकी देखे ना चोंच देखे मेरा मजीद टेढ़े पर टेढ़ी होती जा रही है मुझे तो मेरा मतलब ये कह रहे हैं दुख भी होता है इसे खाने में ना थोड़ी सी मुश्किल भी होती है जो खाता है निकलता रहता है थोड़ा सा भी खाएगा ना मतलब मुश्किल हो रही है इसके लिए मैं देखता हूँ ना इसे और एक ये है ये तो बेचारा जब से ही है ना छोटा ही रह गया बाकी सारे इतने बड़े हो गए नहीं माशाल्लाह अब्दुल भाई इसने हाइट निकाली है थोड़ी ग्रो अब किया है इसने अपने आप को वरना ये मुर्गी ही है मुर्गा तो ये हो नहीं सकता नहीं नहीं है मुर्गी लेकिन अब ग्रो अप कर रही है अपने आप को मगर है और ज्यादा एक्टिव हो गई है एक्टिव और जहां तक मेरा ख्याल है उन्होंने कद तो निकाली है सबसे अच्छी निकलेगी ये मुर्गी सबसे अच्छी निकलेगी ध्यान दिया जा रहा है इसकी तरफ दोस्तों को दिखाते चले बारिश हो गई है तेज बारिश हो चुकी है तेज काफी आगे ये वाली दोस्तों देखिए ये थाई वाली मुर्गी है थाई की लाइक अब ये ना अंडों पे आई हुई है मेरे ख्याल से इसे भी ना अंडों पे बिठाएंगे कूड़ा कोई भी है ये देखें हाथ लेके जाए ना ये देखें अभी थोड़े थोड़े असरात लग रहे हैं इंशाल्लाह इसे भी अंडों पे बिठा देंगे तो वो तो दिखा दें जो हमें गिफ्ट आया हुआ बेंटन का
एक तो वो देख लिया आपने, देसी मुर्गी हमारी गिफ्ट आई हुई है, साथ साथ एक ये भी आई हुई है, मैं आपको दे दूं भाई। इन्हें बाहर ही निकाल दें। हाँ मैं इन्हें बाहर निकाल दें। ये इस पिंजरे के ऊपर रख दें। ये माशाल्लाह ये हमें जोड़ा ही गिफ्ट है, ये पहले हमारे पास में थे, माशाल्लाह ये हमारे हैं नेबर हैं, उन्होंने हमें गिफ्ट किया, उनके पास रखे हुए थे, तो वो था ना कि जैसे हमें ये भी गिफ्ट आ गया, कह रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी मुर्गियाँ रखी हैं, तो हमें तो वैसे ही इस चीज़ का शौक है भाई, हमें जो चीज़ आ जाती है गिफ्ट मिलता है हम रख लेते हैं, माशाल्लाह ये अच्छी चीज़ हमें मिली है। ये बेंटन नस्ल की लाती है, इंडोनेशिया की है गालबन, ये नस्ल जो है ना इंडोनेशिया की नस्ल है, ये जोड़ा हमें मिला कैरी है, ये देखिए माशाल्लाह है बिल्कुल सेम देसी की तरह ही, मगर ना ये देखें इनके कद बहुत छोटे हैं, पाँव देख लें, पर देख लें कैसे आ रहे हैं, पाँव भी बड़े पड़े हैं पर से। ये क्या हुआ, क्या हुआ ये देखना, ये फोन लगा हुआ, नहीं 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 फोन नहीं लगा हुआ, वैसे ही गंदे हुए पड़े हैं इनके पर। हाँ फोन फोन ये भी चीज होगी, गिफ्ट भी देख लिया दोस्तों ने, माशाल्लाह बहुत दोनों खूबसूरत पेयर है, कलर भी अच्छा है, दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, एक उधर जाएगा तो दूसरी भी उधर जाने की कोशिश करती रहती है। और तुम लोगों को क्या हो गया है, क्या हुआ है, देखे जब चूजे होते हैं माँ का रोल चेक करें, बस उसकी फेस रीडिंग चेक करें आप लोग, ये व्हाइट वाली मुर्गी जिससे हमने पहले कुड़क पे बिठाया था, हमारे बिचारी के पता नहीं क्या वजह बनी, अंडे जो है ना वो खराब हो गया, अब ये माशाल्लाह हमने दोबारा से बिठाया इसे, और एक वो बैठी हुई है ब्राउन वाली जिसके सारे बच्चे हैं जो माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, इन्हें खोल भी देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये अभी बाहर आ जाएंगी, खुद से बाहर आएंगी, हमने माशाल्लाह दोनों मुर्गी को कुड़क पे बिठा दिए, तीसरी तैयार हो गई है, ये खुद ही मिट्टी में जाएंगे, फिर अभी दिखाइएगा, ये खुद ही भाग के मिट्टी में जाएंगे, खाना वगैरह खा लेंगे ना तो इन्होंने आगे दोबारा से जो है अपने अंडों पे खुद ही बैठ जाना, हमें बस बंद करना है और कुछ भी नहीं करना। उधर ही वैसे बारिश हो रही है, इनके ऊपर बारिश है तो वो टूटे तो नहीं जाएगी कुड़क, ये भी है वापस ले ले, या थोड़ी देर के लिए या तो वो खुद ही उधर चली जाएंगे अगर ज्यादा पानी आएगा तो, देख लेते हैं, एक्सपीरियंस ही है, ये भी देख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए खुला रखते हैं क्योंकि मैंने इन्हें दो दिन बाद तो लाजमी खोलता हूँ, एक दिन अगर नहीं खुली तो अगले दिन लाजमी खोलना और जरूरी भी, और स्पेशल वाला क्यों खोलना होता है दोस्तों, ये देखें अभी आते साथ इन्होंने बिट करनी होती है, जब तक ये बिट नहीं करते ना तब तक इन्हें सुकून नहीं मिलता, और अंडों के ऊपर बिट नहीं आनी चाहिए, आपके अंडे खराब होने का खदशा बहुत ज्यादा होता है, एक ने कर दिया एक अभी दोबारा कर देगी, वो बारिश की वजह से परेशान हो रही है, आ जाएगी ऑटोमेटिकली खुद ही, ये लोग मुर्गियाँ तो खुली गई, उन्हें थोड़ा सा खाना भी डाल देते हैं, थोड़ा खाना डाल लो फिर डाल दे, ये हमने जैसे आपको पता है कभी बनाई भी है, इसमें सारा खाना रखा होता है हमें मुर्गियों का, वो उधर साइड पे डालना पौधे के नीचे डाल दीजिएगा अब्दुल्लाह भाई, ताकि बारिश भी ना सके, क्योंकि बारिश हो रही है तेज काफी, गाइस आपको बूंदे गिरती हुई नजर आ रही होंगी, बारिश काफी तेज हो रही है, जी क्या कह रहे हैं अब्दुल्लाह भाई, अभी बंद कर देते हैं वो बेहतर है, अभी कर दिया उन्होंने, ठीक है
आपको मुर्गे वगैरह के शोर आ रहे होंगे क्योंकि उसकी बीवी काफी देर बाद उसे नजर आई है, उसे भी अंदर करते हैं अंतरिम भाई, इनके आगे ना पर्दा करते हैं ऑटोमेटिकली खुद ही सेट हो जाएंगे। अभी बेचारे वो बाहर से निकले थे, उन्हें कुछ मिल नहीं सका। मैंने ना पहली दफा एक्सपीरियंस किया कि दो मुर्गियां हमने एक साथ प्रोडक्ट पे बिठाई हैं, बट ना हम सेपरेट बिठाते हैं। अब आपको पता है माशाल्लाह से हमारे पास ना थोड़ी और जगह कम पड़ गया था कि ये सेपरेट केज भी हम लेके आए, मगर ये भी आपके सामने सारे ही इधर चूजे रहते हुए, तो इसलिए थोड़ी जगह भी कम पड़ी। हमने कहा भाई एक ही जगह बिठाए थे, माशाल्लाह से रही आपस में रहती है इत्मीनान से। इत्तेफाक इनका इतना है कभी वो उसके अंडे पे जाके बैठ रही है, कभी वो उसके अंडे पे आके बैठ रही है। मैं तो इस चीज पे हैरान परेशान रह गया था, कभी इस तरह देखा नहीं हमने। माशाल्लाह हमारे कुत्ते भी बड़े हो चुके हैं, जो मैंने आपको बच्चे दिखाए थे लास्ट वीडियो में, ये सारे माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं। अंदर मटके में थे पहले, अब बाहर भी आ चुके हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, वो एक मट्टी पे बैठी है अंदर। हाँ माशाल्लाह मेरे पास बहुत अच्छी ब्रीड आई है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है करम है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ, मैं बताऊँ दोस्तों आपको, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ है ना ये चार पेयर थे, सिर्फ चार पेयर थे, और माशाल्लाह मेरे पास जो है ये 25 के करीब तादाद हो चुकी है, और अभी भी माशाल्लाह जो है मटकों में बैठे हुए हैं। अभी फिर इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा क्या प्रोग्रेस चल रही है क्या नहीं चल रही है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी मुझे ना यहाँ से ब्रीड मिल रही है, और ये रह गया जी मुर्गा हमारा, ये रह गया जी मुर्गा, इसे हमने इधर भी सेपरेट बंद किया हुआ है। इसके साथ एक मुर्गी रखी हुई है, वो ब्लैक कलर की जो मैंने आपको दिखाया था, जो बीमार थी थोड़ा शुरू शुरू में, मगर अब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफी रिकवर हुई है, अंडे वगैरह भी दे रही है। ये सारे मुर्गे के ही कारनामे हैं। ये जो आए हैं आपके सामने नजर आ रहे हैं सारे मुर्गे, आपके पास मुर्गा अच्छा होना चाहिए पहली बात तो, ये मुर्गा अच्छा होना चाहिए। मुर्गी आपके पास जैसी मर्जी है, मुर्गा अच्छा हो जाए हमारा तो ये मानना। कुछ लोग कहते हैं मादी अच्छी होनी चाहिए, मुर्गा जैसा मर्जी हो जाए, मैं कहता हूँ जी मुर्गा अच्छा होना चाहिए, मादी जैसी मर्जी हो जाए, मादी जो है ना वो अच्छी ही होनी चाहिए मेरा ख्याल है। लेकिन अच्छी होनी चाहिए, मैं तो ये अच्छी रखो चीज रखी भी। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें शौक जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मुर्गा अच्छा रख लो, मादी जो उनसी मर्जी रख लो। सारे बच्चे जो है ना इसी पे जा रहे हैं, देखिए माशाल्लाह टेल देख लें, कद देख लें, ये अभी जो है ना 1.5 साल का हुआ है, ये पूरे पूरे अभी 1.5 साल का हुआ है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। ये मेरे पास 1 महीने का था ऐसे ही, अब्दुल भाई 1 महीने का आया था, और माशाल्लाह। और जब ये आया था ना अब्दुल भाई को, मैं कह रहा था ये क्या चीज आ गई है, सर इसका फटा हुआ है, मैं तो इसे वापस करवाने के चक्करों में था। इसका दोस्तों ये जो सर है ना, इसने लड़ाइयां इतनी की बचपन में, इसका जो सारा पूरा छिला हुआ था जब ये मेरे पास आया, मैंने कहा यार ये तो बड़ा जख्मी है, ये फिर इसकी थोड़ी सी केयर की, कोई मलहम पट्टी ट्रीटमेंट चलता रहा इसका, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया, मगर ये जो है इसके ना बाल अभी तक ऊपर नहीं आ सके, मगर फिर भी माशाल्लाह काफी अच्छा है। और इसे अंदर रखते हैं अजरीम भाई, लास्ट वाली तो चीज रहेगी है जो सबसे पहले दिखाने का प्रोग्राम था हमारा, सबसे आगे की हाइट निकाल रहा है, क्या कर रहा है ये ना, बड़ा फुर्तीला है, हाथ में नहीं आता, अगर मैं इसे छोड़ दूं इसमें पकड़े नहीं जाना, इसलिए हमने ना इसे सेपरेट रखा हुआ है। ये ना वो देखो, वो देखो, वो देखो, एक तो इसका जो है मैंने इसे सेपरेट इसलिए रखा है, जो अच्छा लगता है मुझे इसका जो कलर है ना, कलर वो बहुत अच्छा आ रहा है ये कि इसमें। ये दोस्तों आप लोगों ने कमेंट करके बताना है इसका कलर किस महीने में जाएगा। हाँ वैसे इस तरह का ना मेरे पास कुछ है नहीं, एक सिर्फ मुर्गी है मेरे पास, और इसके अलावा ना इस कलर का मेरे पास कोई बच्चा आया नहीं था। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे कलर, ये कलर कौन सा कलर के लाता है दोस्तों हमें नहीं पता, आप लोगों ने बताना है। ये माशाल्लाह इसके परों में देखें 3 से 4 कलर आ रहे हैं मेरे पास, जो पहले शेड काफी अच्छा आ रहा है,
वो ब्लैक येलो रेड इस तरह का आ रहा है और माशाल्लाह ये ढाई महीने का ही है ना, ये भी इन्हीं के साथ का ही है और इसने हाइट देखिए किस तरह निकाली है माशाल्लाह। ये भी सही खड़ा नहीं हो रहा, पिंजरे में अगर चले ना इसे ये सही खड़ा होगा, ये देखे ना पंख भी फोल्ड करके खड़ा है, वरना ये अगर सही खड़ा हो ना ये इन सबसे बड़ा है जितने मैंने अभी ये आपको दिखाया ना, ये थोड़ी बहुत जरा गर्दन ऊपर करके दिखाइएगा हो सकता है खड़ा हो जाए। माशाल्लाह बहुत हाइट निकाल रहा है ये माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ जितने अभी मैंने दोस्तों को दिखाए हैं ना, बस अल्लाह ताला हमारे शौक को नजरे बस से बचाए रखे, ये इन सबसे बड़ा है माशाल्लाह का अपना। माशाल्लाह इन्हें खाना डाल दिया था, बल्कि अभी पालक ही डाला था, वो टोकरी पड़ी हुई है सालों जी जी, जी। एक दफा ही ना सारा वो एक दफा काट के सालों को डाल देता हूँ, ये पूरा छाबा भर के आता है पालक का माशाल्लाह। और ये ऐसे रगड़ते हैं कैसे रगड़ते हैं माशाल्लाह, घर के बच्चे माशाल्लाह जवान हो गए हैं, ये हमारे लिए ना बड़ी खुशी की बात होती है, तोते भी बड़े हो गए हमारे, ये मुर्गे भी बड़े हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो ये मुझे कलर बड़ा प्यारा लग रहा है, बाकी सारे भी मुर्गे हैं, ये भी मुर्गा है, मुर्गी मेरे पास जो है ना 10 में से कह लें 8 में से कह लें एक दो ही निकली है, ज्यादा नहीं निकली। ये जो आपको देख रहे हैं ना इतना ऊंचा ऊंचा हो गया, ये भी मुर्गा ही है, और जो साथ वाला है ये मुझे लगता है मुर्गी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, कंटेंट जरा सा ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी लाल सब्सक्राइब कर दिया। माशाल्लाह मौसम अच्छा हो रहा है, नहीं मैंने बोल दिया मुर्गे को, तो आप भी इंजॉय करें मौसम को, हम भी इंजॉय करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।